नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हो अपना ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल। तो आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खबर आप कह सकते हैं, एक ब्रेकिंग न्यूज लेकर आया हूं एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2021 के उम्मीदवारों के लिए। यहां पर दोस्तों मैं आपको सबसे बड़ी खबर बता दूं कि एसएससी जीडी कांस्टेबल की भर्ती आखिर क्यों लेट हो रही है, इसके पीछे की जो सच्चाई है वो मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत बताने वाला हूं। यदि आप लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आवेदन करना चाहते हैं और काफी समय से तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और साथ ही ये चैनल भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आपसे गुजारिश होगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि एसएससी जीडी भर्ती पल-पल के अपडेट सबसे पहले आपको यहीं पे प्राप्त होते रहेंगे। यहां पर दोस्तों मैं आपको एक चीज क्लियर कराना चाहूंगा, जैसे कि आप सभी भाई बहनों को मालूम है एसएससी की ओर से 25 मार्च से आप लोगों के फॉर्म भरने की जो डेट है वो दी गई थी, लेकिन दोस्तों अप्रैल का महीना शुरू हो चुका है, आप लोगों के फॉर्म नहीं आए। इसके पीछे का कारण क्या है दोस्तों? आप लोगों का इसके पीछे का कारण है ये चीज जो मैं आपको अभी गोला करके दिखा रहा हूं, गैर अनिवार्य परीक्षा, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है दोस्तों नॉन मैंडेट एग्जाम। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल ठीक सुना, एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2021 को नॉन मैंडेट कैटेगरी में डाल दिया गया है, जिसका मतलब होता है गैर अनिवार्य परीक्षा, यानी कि ऐसी परीक्षा जो कि समय पाने पर किसी मुसीबत के कारण, किसी ऐसी संदिग्ध हालत होने पर, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने पर जिस परिस्थिति में एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जा सकता, कराने की स्थिति नहीं होती है, उस स्थिति को बोला जाता है नॉन मैंडेट यानी कि गैर अनिवार्य परीक्षा। तो यहां पर दोस्तों मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा ऐसा बात मैंने क्यों बोला। तो आपसे गुजारिश होगा यदि दोस्तों खबर अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, आपकी क्या राय है आप हमें वो भी कमेंट करके बताइए। यहां पे दोस्तों उसको बताने से पहले मैं आपको दो तीन चीजें और क्लियर करा दूं, जैसे कि एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2021 के लिए काफी सारे उम्मीदवारों ने हमसे प्रश्न पूछा कि सर एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती जो है वो पहले से ही 2018 की भर्ती की ज्वाइनिंग में डिले हुआ है, जिसके तहत इसकी जो ज्वाइनिंग हुई है वो 2021 में आके हुई है, तो क्या इसका बेनिफिट हम लोगों को मिलेगा, क्योंकि हम लोगों की जो वैकेंसी है वो 4 से 5 महीने डिले हो गई है। तो जी हाँ दोस्तों, 100% मैं आप लोगों को श्योर के साथ कह सकता हूं आप लोगों को कुछ जो बेनिफिट यहां मिलेगा, कितना मिलेगा वो हमें अभी नहीं बता सकते, क्योंकि दोस्तों 27 तारीख की आरटीए लगाई हुई है हमारी टीम की ओर से एसएससी के लिए, लेकिन अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया, जो कि एक बहुत ही निराशजनक खबर है आप लोगों के लिए, लेकिन दोस्तों हमारी टीम बराबर बनी हुई है। फिलहाल मैं दोस्तों आपको लेके चलूंगा ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां पर मैं आपको पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। तो दोस्तों आज की क्विज का प्रश्न है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? आप लोगों के पास दोस्तों 4 ऑप्शन है, सांसद, बी कानून मंत्री, सी राष्ट्रपति या फिर डी प्रधानमंत्री। आप लोगों का जो भी राइट आंसर हो आप हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, और हमें ये भी बताएं आप लोग एसएससी की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग अपना, मैं आपको सबसे पहले तो एक चीज तीन चीजें क्लियर कराऊंगा, जैसे कि आप लोगों के जो फॉर्म होंगे वो कब से शुरू होंगे, उसके बाद बात करेंगे एज लिमिट को लेकर कि एज लिमिट कितनी मांगी जाएगी, उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे एग्जाम को लेकर, आखिर इतना समय बीत गया ऑफिशियली कोई जानकारी नहीं दी, ऐसा क्या हो गया एसएससी जीडी यानी कि एसएससी को। तो दोस्तों यहां पे आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। आपसे गुजारिश होगा चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑल जरूर कर लें, ताकि एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती की सबसे पहले अपडेट मिल सके और आप कोई वीडियो भी मिस ना करने पाएं। यहां पर दोस्तों मैं आपको सबसे पहले तो बता दूं एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो भर्ती होने वाली है वो आप लोगों की 60 से लेकर 70 हज़ार पदों के बीच में होगी। तो दोस्तों एक बहुत ही अच्छी खबर है, ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि 2018 के लेकर 2021 तक जो काफ़ी सारे रिटायरमेंट भी हुए हैं, क्योंकि इस बार इस पीरियड के बीच में काफ़ी सारे रिटायरमेंट हुए हैं, आप सभी भाई बहनों को ये तो अच्छे से मालूम ही होगा, अगर नहीं मालूम है तो हमारी प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, उसके अंदर का था मैंने आपको विद प्रूफ दिखाया था। तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारे रिटायरमेंट हुए हैं, वो सारे रिटायरमेंट भी इस वैकेंसी के अंतर्गत फुल होंगे, तो यहाँ पर आप लोगों की वैकेंसी 60 से लेकर 70 हज़ार के बीच में आने वाली है, ये तो आप लोगों का 100% श्योर है। तो एक डाउट तो दोस्तों आपको क्लियर हो गया कि कितने पदों पर भर्ती होगी, वहीं पर बात करें सेकेंड डाउट के लिए, तो दोस्तों एज लिमिट यहाँ पर 18 से 23 जो ली जाती थी, इसी एज लिमिट में आप लोगों को 6 से लेकर 8 महीने का यहाँ बेनिफिट देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, मिल सकता है, मतलब 100% श्योर नहीं है, ऐसा इसलिए बताया गया क्योंकि आप लोगों की जो एसएससी जीडी भर्ती 2018 है उसको 7 से 8 महीने डिले हुआ है, इसके तहत जो 7-8 महीने का डिले आप लोगों का हुआ है वो आप लोगों को 2021 में बेनिफिट के तौर पर देखने को मिल सकता है। और दोस्तों तीसरी वैकेंसी, अगर हम तीसरी खबर पर चर्चा करें तो दोस्तों उसके लिए मैं आपको एक प्रूफ दिखाना चाहता हूं। अगर आप एग्जाम कैलेंडर को ओपन करते हैं तो आपको एग्जाम कैलेंडर में एक इंफॉर्मेशन मिलेगी, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, आप जैसे ही एसएससी का जो ऑफिशियल एग्जाम कैलेंडर ओपन करेंगे उसमें आप लोगों को कुछ जानकारी मिल जाएगी। ये दोस्तों यहाँ पे आप लोगों ने एग्जाम तो देख ही लिया होगा, लेकिन एग्जाम के आगे एक स्टार लगे होते हैं, प्लस लगे होते हैं, इनका क्या मतलब होता है, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। किसी किसी एग्जाम पर दोस्तों 2 स्टार भी लगे हैं, तो इनका क्या मतलब होता है? और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात, एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती के आगे तो 2+ का निशान लग गया है, यानी कि अगर हम देखें तो 1 स्टार 2 स्टार और तीसरा 2+ का, इन तीनों ही चीज़ों का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आप लोगों को ये चीज़ें दे भी रखी हैं।
पहला यानी कि एक स्टार का मतलब होता है आप लोगों का पेपर ऑनलाइन कराया जाएगा, यानी कि ऑनलाइन पद्धति से आपका परीक्षा कराई जाएगी। दूसरी चीज़ आपको बोल रखा है जिस पर दो स्टार लगे हैं उसका मतलब होगा आपका दोस्तों जो एग्ज़ाम होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा, यानी कि लिखित एग्ज़ाम आप लोगों का यहाँ पे कराया जाएगा। और दोस्तों जिस एग्ज़ाम के आगे प्लस का चिन्ह लगा है, प्लस का निशान लगा है, उस परीक्षा को बोला जाता है दोस्तों नॉन मैंडेट एग्ज़ाम। यानी कि नॉन मैंडेट का मतलब अगर मैं आप सभी भाई बहनों को दिखाऊँ तो मैं आपको ले चलता हूँ गूगल पर। दोस्तों मैं आपको विध प्रूफ इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे भाई बहन आप सभी में से ऐसे हैं जिनको बिना प्रूफ के कोई बात हजम नहीं होती। तो दोस्तों नॉन मैंडेट एग्जाम का अगर आप ट्रांसलेशन करते हैं तो इसका मतलब आता है गैर अनिवार्य परीक्षा, यानी कि ऐसी परीक्षा जो कि गैर अनिवार्य है। मतलब अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिस स्थिति के अंतर्गत परीक्षा कराना संभव नहीं हो पाता तो दोस्तों ऐसी स्थिति में उन परीक्षाओं को गैर अनिवार्य परीक्षा बोला जाता है। मान लीजिए कोई परीक्षा आप लोगों की अप्रैल के महीने में होनी थी लेकिन अप्रैल के महीने में कोविड-19 के केसेस फैलने की वजह से यहाँ पर स्थिति ऐसी उत्पन्न होती है कि यह परीक्षा कराने में काफ़ी समस्या आएगी, तो ऐसी कंडीशन में बोर्ड यानी कि किसी विभाग की ओर से उस परीक्षा को स्थगित करने के लिए इन परीक्षाओं को नॉन मैंडेट एग्जामिनेशन के दायरे में डाल दिया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो परीक्षाएं हैं ये सिचुएशन के आधार पर आप लोगों की पोस्टपोन की जा सकती हैं। तो वर्तमान में जो स्थिति उत्पन्न हो रही है दोस्तों कोविड-19 के केसेस काफ़ी ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं जिसके तहत यहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो गई है कि जो उम्मीदवार हैं वो विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर जाके एग्ज़ाम देने में जो संभव है उसमें थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। यहाँ पर दोस्तों कुछ लोग ये कहेंगे कि सर काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स तो कराए जा रहे हैं तो यहाँ पर दोस्तों जो एग्ज़ाम अनिवार्य हैं जो कि मैंडेट एग्ज़ाम है वो सारे एग्ज़ाम कराए जाएंगे हर हालत में चाहे कोई सी भी स्थिति उत्पन्न हो। वर्तमान में NDA के एग्ज़ाम चल रहे हैं, NTPC के एग्ज़ाम चल रहे हैं, वहीं पर बात करें तो 12 तारीख से आप लोगों के SSC CHSL के एग्ज़ाम भी चलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो सारे एग्ज़ाम हैं इनको मैंडेट कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि इनको 1+ में रखा गया। 1+ का मतलब होता है मैंडेट एग्ज़ाम जो कि आप लोगों के हर हाल में कराने ही हैं। यदि SSC की ओर से नोटिस में जारी कर दिया कि ये एग्ज़ाम मैंडेट एग्ज़ाम है तो वो हर हाल में होंगे चाहे कोविड-19 कितना भी फैले। लेकिन अगर किसी वैकेंसी के सामने 2+ का निशान लग गया तो वो जो वैकेंसी है वो नॉन मैंडेट कैटेगरी में डाल दी जाती है। मतलब सिचुएशन ऐसी ख़राब होती है तो उस एग्ज़ाम को नॉन मैंडेट यानी कि अगली तारीख के लिए स्थगित भी किया जा सकता है। दोस्तों एक बहुत ही बड़ी खबर है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी किस वजह से डिले हो रहा है। कभी भी इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है लेकिन फिलहाल आप लोगों की सबसे ब्रेकिंग न्यूज़ यही है सभी सवालों के जवाब कि आखिर SSC GD की भर्ती कब तक आएगी। तो दोस्तों अपडेट आपको मिल ही गया कि इसको नॉन मैंडेट कैटेगरी में रखा गया है जैसे कि मैंने आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन में भी जाके दिखाया। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक बात और भी बताना चाहता हूँ, यदि आपको एज कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइए, अपना नाम हमें लिखिए, यहाँ पे आप लोग अपना नेम जरूर लिखेंगे। नेम लिखने के बाद एक डैश लगाइए, वहाँ पे अपनी एज लिखिए यानी कि डेट ऑफ बर्थ। मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1 फरवरी 2000 आप लोगों की आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप लोग ऐसे लिखिए और डैश लगा के अपनी कैटेगरी लिखिए सामान्य OBC या फिर SC ST जो भी है। तो दोस्तों इससे आप लोगों को मैं आपकी एज भी कैलकुलेट करके बता पाऊंगा कि आप लोगों का सिलेक्शन SSC GD कांस्टेबल भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं। वहीं पर दोस्तों हमने काफ़ी सारी वीडियो बना रखी हैं कि इसमें सैलरी कितनी मिलेगी, उसके बाद दोस्तों कट ऑफ क्या रहने वाला है इस बार, इन सब संबंधित काफ़ी सारी वीडियो बनाई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो आपको करना ही पड़ेगा ताकि आपको रेगुलरली अपडेट मिल सके SSC GD कांस्टेबल भर्ती 2021 का। और साथ ही दोस्तों आगे जैसे ही कोई अपडेट आएगा, फिलहाल अभी तक RTA का जवाब नहीं आया है, 5 दिन हो चुके हैं, पता नहीं SSC क्या कर रही है दोस्तों, अभी तक RTA का जवाब नहीं दिया। हालांकि 30 दिन का दायरा रहता है RTA के लिए, देखते हैं कब तक जवाब आता है। बराबर हमारी टीम की ओर से मेल मैसेजेस किए जा रहे हैं जिसका अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया, लेकिन दोस्तों जैसे ही आएगा हमारी टीम आपको बराबर रेफरेंस देती रहेगी। आपसे गुजारिश होगा वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम दिन रात आप लोगों के लिए मेहनत कर सकें। और यहाँ पर दोस्तों उम्मीद करता हूँ कुछ तो डाउट आपके क्लियर हो ही गए होंगे, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिए। और यहाँ पर दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप लोगों की जो वैकेंसी होगी उस वैकेंसी में आपको कितना समय दिया जाएगा, तो दोस्तों जितनी वैकेंसी डिले होती जाएगी एग्ज़ाम की डेट भी उतनी ही डिले होती जाएगी। तो ये बिल्कुल आप श्योर रखिए, ऐसा मत सोचिए कि दोस्तों कि सर आप लोगों के जो फॉर्म भरना है वो लेट शुरू होते हैं लेकिन आप लोगों के एग्ज़ाम जो होंगे वो फिक्स डेट पर होगा, तो ऐसा नहीं है। जितना फॉर्म भरने में आप लोगों का डिले होगा उतना ही परीक्षा में भी आप लोगों को यहाँ पर डिले देखने को मिलेगा, ये आपका बिल्कुल श्योर है। दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल मान सकते हैं आप, जितनी आप लोगों को फॉर्म भरने में देरी होगी, फॉर्म भरने में आप लोगों का डिले किया जाएगा उतना ही आपको एग्जामिनेशन के लिए भी डिले किया जाएगा क्योंकि आप लोगों के लिए तैयारी के लिए भी उनको समय देना पड़ेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ खबर तो अच्छी लगी होगी, साथ में आपके कोई भी डाउट हो, कैसे भी आप लोगों को प्रश्न पूछने हो
बेझिझक आप हमें कमेंट कीजिए। और यहाँ पे एक आप लोगों को नोटिस में कह सकता हूँ, आप लोगों को मैं एक ऑर्डर भी कह सकता हूँ कि आप सभी भाई बहनों से गुजारिश होगा कि तैयारी में तो लगे रहिए दोस्तों, एग्ज़ाम को मत देखिए। आप तो बस यही मान के चलिए कि आप लोगों का एग्ज़ाम कुछ महीने बाद होना है और आप लोगों को पूरा कोर्स करना है। तो यहाँ पर दोस्तों अपने कोर्स में लगे रहिए, तैयारी बराबर करते रहिए, फालतू चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए। क्योंकि दोस्तों SSC ने अभी तक ये नहीं बोला कि मैं एग्ज़ाम कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों आप लोगों का जो नॉन मैंडेट की कैटेगरी है वो मैं आपको समझा चुका हूँ। फिलहाल आप लोग सिर्फ एक ही काम कीजिए, तैयारी करते रहिए। आप लोग बिल्कुल भी हताश मत होइए, तैयारी आप लोगों का एकमात्र सहारा है अगर आपको SSC GD कांस्टेबल भर्ती को निकालना है। यह दोस्तों यदि आप चाहते हो कि इस बार SSC GD कांस्टेबल में आप लोगों को वर्दी मिल जाए, तो दोस्तों इस वर्दी के लिए तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। अगर आपको चाहिए आपके कंधों पर वर्दी, तो दोस्तों मेहनत तो आप लोगों को जी जान से करनी ही पड़ेगी, भले ही चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पर दोस्तों आपको अगर कोई डाउट होता है SSC GD भर्ती किस प्रकार से कैसे करें, कैसे SSC GD भर्ती के लिए तैयारी करें, तो दोस्तों हम आप कमेंट करके बताइए, हम आपको जितना हो सका है उतना रेफरेंस मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे और आप लोगों के लिए SSC GD के लिए ग्रुप भी तैयार करेंगे, जहां पे आप लोगों को SSC GD कांस्टेबल भर्ती 2021 से संबंधित सारे आप लोगों को नोट्स वगैरह और मॉडल क्वेश्चन पेपर्स भी समय समय पे प्राप्त होते रहेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों खबर अच्छी लगी होगी, हमारी मेहनत पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और जितना हो सके आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, ताकि हमें भी आप लोगों के साथ काम करने में मजा आए।